नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त चेतन भोला और आप देख रहे हैं भोला मैकटेक। आज की वीडियो एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बताना चाहता हूं आपको। मैंने एक्चुअली इस पे काम किया है तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, एक अच्छा सा एक्सपीरियंस भी जोड़ पाऊंगा और यहाँ पे हो सकेगा तो मैं वो वाली वीडियो भी लगाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं वीडियो दिखाऊंगा तो आपको शायद समझ में आए और अच्छे से। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यूजुअली आप हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बोलते हैं गियर बॉक्स नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, लगाने की जरूरत नहीं है। अगर होता भी तो एक फिक्स्ड गियर रेशियो देकर से छोड़ देते हैं। तो इलेक्ट्रिक कार्स रिवर्स कैसे लेती हैं? आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रिक कार्स रिवर्स कैसे ले रही होती है? फिर अब आप बोलोगे कि अगर जिसको शुरू से थोड़ा बहुत इस तरह का दिमाग रहा है, वो हम लोग क्या करते थे, अपनी पुरानी गाड़ियों को खोल लेते थे टॉय कार्स को। तो अगर जिसने वो खोली है तो उसे तो कुछ कुछ समझ में आएगा, मोटर पे जिसने काम किया तो उसे वो पता है कि यार इसको उल्टे करने लगा दो तो उल्टी हो जाती है। लेकिन अब वो सिंपल टू पोल वाली मोटर यूज नहीं होती कि आपने एक तरफ प्लस लगाया एक तरफ माइनस लगाया और होगी नहीं। द मोटर्स आर वेरी डिफरेंट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बहुत अलग होती है, बहुत एडवांस्ड है, बहुत एफिशिएंट है, जिसकी वजह से आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल सक्सेस भी हो रहे हैं, वरना इलेक्ट्रिक व्हीकल सक्सेस नहीं होते। तो उसके बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में कि किस तरह की वो मोटर्स है। लेकिन कुछ कुछ हिंट्स मैं आपको दूंगा जो कि इस वीडियो के लिए समझने के लिए जरूरी है कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल रिवर्स कैसे लेते हैं। अब गियर बॉक्स तो है नहीं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरे काम कर रहे हैं मोटर कंट्रोलर यूनिट, व्हीकल कंट्रोलर यूनिट बोल सकते हो, या फिर उसके बाद देखो क्या होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। आपको एक थोड़ा सा आर्किटेक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ। बैटरी लगी है, एक तरफ व्हीकल कंट्रोल यूनिट है, एक तरफ मोटर कंट्रोल यूनिट है और एक तरफ मोटर है, ठीक है, और मोटर के लगा टायर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल जो इसमें मैं मानता हूं वो है मोटर कंट्रोल यूनिट का, उसका काम है मोटर को कंट्रोल करना, और व्हीकल कंट्रोल यूनिट का काम है बाकी सारी चीजों को एक साथ लाके काम करना, बैटरी को, मोटर को, सबको वो मैनेज करना है। बैटरी का काम है, बैटरी का खुद का एक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है जिसको सब कुछ देखना है। तो अब इसमें गियरबॉक्स तो है, यही पावर ट्रेन है इसकी। अब इसमें गेयरबॉक्स नहीं है तो कैसे हम करेंगे इसको रिवर्स, सोचने वाली बात है। तो ये मोटर कंट्रोल यूनिट है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि अपनी गाड़ियों में हम स्पीड बढ़ाने घटाने के लिए क्या करते हैं, पहले तो हम एक्सीलेटर देते हैं, वो तो बात ठीक है, लेकिन साथ में हम गियर भी तो चेंज करते हैं, लेकिन इसमें गियर नहीं है तो गियर वो स्पीड कैसे बढ़ रही है। तो मोटर कंट्रोल यूनिट है, उसका ही काम है मोटर के साथ आगे पीछे स्पीड दाएं बाएं जो भी करनी है उसे, दाएं बाएं तो नहीं कर पाएगा लेकिन स्पीड कम ज्यादा, पीछे की कम ज्यादा, या मोटर की डायरेक्शन आगे या पीछे, जो भी है वो मोटर कंट्रोल यूनिट करेगा। अब जो आपने देखा होगा, आप जिस मोटर की बात कर रहे हैं जो हम अपने गाड़ियों में लगाते थे, वो तो सिर्फ एक ही स्पीड से चलती थी, ठीक है, अगर वोल्टेज कम हो जाती थी तो वो धीरे हो जाती थी। लेकिन इस बार क्या है, इस बार मोटर पर वोल्टेज का असर तो होता ही है, लेकिन वोल्टेज एक एफिशिएंट वे नहीं है जिससे कि आप उसको कर सको आगे, स्पीड कम ज्यादा कर सको। एफिशिएंट वे क्या है, पल्स वेव मॉड्यूलेशन। अब आज की जो मोटर है BLDC, AC, सिंक्रोमेश, परमानेंट मैग्नेट, मेरे को भी बहुत सारे नहीं पता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने लिख रखा है, नोट्स बनाए हुए हैं मोटर्स के ऊपर, जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसको बनाऊंगा। तो बहुत सारे तरह की मोटर्स हैं, तो इनके ऊपर है ना, मतलब अगर आप देखोगे मोटर ड्राइवर्स आते हैं, जब आपने अगर प्रोजेक्ट किए होंगे कॉलेज में तो उसमें कुछ मोटर ड्राइवर्स आते हैं। मोटर ड्राइवर्स क्या करते हैं, एक तरफ से सिग्नल वो इस पे वेव्स देते हैं, मतलब अगर AC मोटर है तो मान लेते हैं इसमें कुछ वो आ रही होगी ना, वेव्स आ रही होंगी। BLDC है तो BLDC में 3 होते हैं, ये 3 तरह के पोल्स होते हैं, उसके बीच में उसमें फेज चलते हैं, ठीक है, ऐसे ही AC में आता है। तो यहाँ पे कुछ आपके पास वो है, एक वेव फॉर्म आई है जो कि मोटर को फीड करी जाती है पल्स वेव मॉड्यूलेशन मोटर ड्राइवर के थ्रू। मोटर ड्राइवर यहाँ पे मोटर कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, मोटर ड्राइवर में आपने वो डाल दिया तो आपके अब मोटर चलेगी उसके बेसिस पे, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, उसका एम्पलीट्यूड होगा जो, ठीक है, उसके बेसिस पे आप मोटर के आपके करेक्टरिस्टिक डिपेंड करेंगे। अब आपने पल्स वेव मॉड्यूलेशन से ही सब कुछ करना है, वो बात ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा कि जो आपने पोलैरिटी उल्टी करी थी, लेकिन यहाँ पे वो सिंपल नहीं है क्योंकि यहाँ पे वेव्स आ गई हैं। हमें कुछ, हम यार नूब जो होते हैं, हम जो न्यूब्स होते हैं, हमें नहीं पता होता वो क्या वेव क्या करना है उसका, तो उसमें हम ये नहीं कर सकते, हम ऐसे ऐसे बदल के नहीं उसको घुमा सकते, वो सिर्फ मोटर कंट्रोल करेगा, उसके वेव फॉर्म्स को चेंज करेगा।
जब वो वेव फॉर्म चेंज करेगा तो फिर मोटर आगे पीछे जैसे भी होगी तब होगी। तो वेव फॉर्म इसके बारे में किसी दिन डिटेल में जाएंगे। तो अब मैं बताता हूँ कि वो रिवर्स ले कैसे रहा। मान लेते हैं मोटर है, ये मोटर का आर्मेचर है, ठीक है, नहीं ये मोटर का स्टेटर है सॉरी, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे कुछ वाइंडिंग्स हैं। वो वाइंडिंग्स के ऊपर जब आप सिग्नल देते हो तो उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल बनता है, ठीक है, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, ऐसे बनता है। यहाँ पे बीच में आया स्टेटर, इसके ऊपर नॉर्थ साउथ बनता है, ठीक है। अब जैसे जैसे आपको इसको घुमाना होता है वैसे वैसे आप इसके नॉर्थ साउथ को घुमाते रहते हो उसी मोटर कंट्रोलर के थ्रू, वैसे वैसे ये उसको फॉलो करता रहता है, ठीक है। जितनी तेज घुमाओगे उतनी तेज फॉलो करेगा। अब ये इतनी तेज घुमाओगे कैसे, उस तरह के वेव्स को तेज तेज आगे पीछे करके। पहले आपने क्या किया, मान लेते हैं तीन टर्मिनल आ रहे हैं आर्मेचर से, पहले आपने इसमें दिया, फिर 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 इसमें दिया। ये क्या चीज है, करंट दे रहे हो आप। पहले आपने इन दो वायर्स में दिया, फिर आपने इन दो वायर्स में दिया, फिर इन दो वायर्स में दिया, तो पहले इसकी वेव आई, फिर दूसरे की वेव आई, फिर तीसरे की वेव आई, ठीक है। तो अब ये पहले की वाइंडिंग की वजह से ये वाला नॉर्थ पोल चला, दूसरे की वाइंडिंग की वजह से ये वाला नॉर्थ पोल चला, तीसरे की वाइंडिंग की वजह से ये वाला नॉर्थ पोल चला। तो इस तरह से इसको फॉलो करता रहेगा। अब जैसे जैसे आप इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो उतनी जल्दी जल्दी ये इसमें इन दोनों के बीच में चेंजेस होते रहेंगे। तो जितनी जल्दी जल्दी चेंजेस होंगे उतनी जल्दी जल्दी ये घूमेगा। होपफुली मैंने समझाया है, कोशिश करी है, जिस तरीके से मैंने समझाया उस तरीके से समझाने की कोशिश करी है। इसका काम सिर्फ फॉलो करना है, और इस वेव मॉड्यूलेशन की वजह से हम उसके नॉर्थ पोल की डायरेक्शन जल्दी जल्दी चेंज करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। अब अगर मेरे को इसको रिवर्स घुमाना है तो मेरे को बस इसके पोल्स की डायरेक्शन जो मैं अभी पहले ऐसे करा था, ऐसे करा था और ऐसे करा था, अब मेरे को ऐसे करके और ऐसे करनी है, समझ गए। पहले मैंने इस वाइंडिंग को दी थी, फिर इसको दी थी, फिर इसको दी थी, अब मैं करूंगा इसको दूंगा, फिर इसको दूंगा, फिर इसको दूंगा पावर, ठीक है। तो जब मैं इस तरह से चलूंगा ना, तब आपका होगा कि ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसे कि ये उल्टा घूमे, तेज घुमाना है तो आपको समझ में आ गया पल्सर मॉड्यूलेशन के थ्रू, रिवर्स घुमाना है तो आपको समझ में आ गया पल्सर मॉड्यूलेशन के थ्रू। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ मेरी वीडियो में जो मैंने किया था उस पर काम। तो मैंने एक मारुति इको को इलेक्ट्रिक इको में कन्वर्ट किया था, तो उसमें वो मेरा प्रोजेक्ट था, ठीक है, मैं किसी कंपनी में था तब मैंने वो वाला प्रोजेक्ट किया। तो उसमें क्या था कि हमारे पास है ना किट तो प्रॉपर थी नहीं, तो हम लोगों को एक एक गियर बॉक्स, आप देखते हो ना गाड़ियों में एक गियर आता है जो इलेक्ट्रिक कार्स में आता है, एक रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव और पार्किंग न्यूट्रल ड्राइव और रिवर्स, ऐसा कुछ गियर आता है, ठीक है। और फिर मोड्स तो वो चीज़ अलग है, मोड्स के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये चीज समझ में आई। जब रिवर्स होता है ना उसमें क्या होता है, वो अब कंट्रोलर कैसे समझता है, आपने आपको कंट्रोलर को समझाना है। कंट्रोलर क्या करता है मैंने आपको बता दिया, लेकिन कंट्रोलर को कैसे बताओगे आप कि भाई मेरे को रिवर्स करना है। तो अभी उसके पास मान लेते हैं प्लस 5 वोल्ट का आ रहा है तो वो ड्राइव में है, अगर उसके पास माइनस 5 वोल्ट का चला जाएगा सिग्नल, मान लेते हैं ये दो सिग्नल वायर्स, इस पे तीन वायर्स होती हैं, बीच में ग्राउंड, इस पे ड्राइव का और इस पे रिवर्स का। तो जब मैं इस पे प्लस 5 दूंगा तो वो समझेगा कि फर्स्ट पे आगे जाना है, जब मैं इस पॉइंट पे प्लस 5 दूंगा तो वो समझेगा पीछे जाना है। तो इसके लिए डीपीडीटी स्विच लग सकता है। डीपीडीटी स्विच क्या करता है, वो बीच में रेस्ट होता है इधर 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 इधर, जैसे इंडिकेटर वाला स्विच होता है, इधर वाला दबाओ तो इधर का इंडिकेटर, इधर वाला दबाओ तो इधर का इंडिकेटर। मैंने वो यूज कर लिया, उसमें तीन वायर्स निकल रही थी, मैंने जाके कनेक्टर में कपलर में लगाया उसके, और उसमें ये था कि इधर वाले आगे करूंगा लेफ्ट राइट वाला दबाऊंगा तो फ्रंट चलेगा, और लेफ्ट वाला और इंडिकेटर कर दूंगा तो गाड़ी बैक जाएगी। अब वाली वीडियो दिखाता हूं आपको, तो वो वाली वीडियो आप देखो, अगर आप इस वीडियो में देखोगे तो इसमें ना एक जगह मैंने बहुत थोड़ी देर का आया, क्योंकि मैं उस टाइम पर टेस्टिंग कर रहा था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाते इसे बहुत सही से, बहुत पहले की वीडियो 2018 की वीडियो। तो जैसे ही मैंने उसके इंडिकेटर को आगे पीछे चेंज किया ना, अब गाड़ी देखो पीछे जाने लगी। तो मैं यहाँ पे उस तरह से इसको अलाइन कर दूंगा जो कि आप देख पाओ उसे। तो जैसे ही मैंने इंडिकेटर को छेड़ा, अभी तक गाड़ी आगे जा रही थी, एकदम से गाड़ी पीछे जाने लगी। तो सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर का खेल रह जाता है यहाँ पे, इंडिकेटर का खेल नहीं सॉरी डीपीडीटी स्विच का खेल रह जाता है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आएगा कि कैसे मोटर काम करती है, आगे पीछे कैसे दाएं बाएं जो भी होता है कैसे होता है, और कैसे मैंने इंडिकेटर यूज किया। तो ये सुन के आपको इंटरेस्टिंग भी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं थोड़ा खुशी होती है अगर आप कमेंट्स करते हो। और वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोस को देखने के लिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बस इतना ही चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।